गाइस वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए कि मेकअप कहीं आपका काला तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप फाउंडेशन लगाते हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, किसी कलर वजह से आपका मेकअप काला होने पैसे होने लगता। तो आज इसी चीज़ को लेके हम आपको कुछ ट्रिक और टिप्स शेयर करेंगे कि आपका मेकअप काला ना हो। तो इसको देखने के लिए आपको आगे वीडियो ज़रूर देखना होगा। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दें, कैसे हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं क्या सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ ये भी आप ध्यान दें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कहीं आपका मेकअप काला तो नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे। तो ये देखने के लिए आपको आगे कम वीडियो कंटिन्यू देखना होगा। और हाँ, यहाँ तक कि आपको एक ये बताते कि मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो आपको वीडियो के अंत में देखने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हम बात करेंगे मेकअप का, फाउंडेशन का। फाउंडेशन होता है कभी कभी हम जो हमको लेना होता है, तो सबसे पहले हमको मैच करना होता है अपना स्किन टोन। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो अपना फाउंडेशन लेते हैं स्किन टोन से ज़्यादा ही कम ले लेते हैं, डार्क ले लेते हैं, तो उसी का तो मेरा मेकअप अच्छे से नहीं हो पाता। अगर डार्क ले लेते तो ब्लैक ऐसे ही हो जाता है, और अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या कहता है कि उसमें फाउंडेशन में ऑक्सीडेंट पाया जाता है। खास करके जो ऑयली स्किन है तो वो अपना कहता है ऑयली स्किन में जो ऑक्सीडेंट होता है वो मिलके उनका स्किन का कलर आ जाता है, उससे भी ब्लैक हो जाता है। कभी कभी तो ब्लैक ही सब मेकअप हो जाता है, कभी कभी पैची हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और ऑयली स्किन वाले ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का। और अपने में जो भी कभी फाउंडेशन का तो उसमें ऑक्सीडेंट देख ले, कलर मैचिंग कर ले फाउंडेशन का, मतलब आपके टोन के हिसाब से है या नहीं। ये भी मैं आपको आगे वाले वीडियो बता दूँगी कैसे अपना स्किन टोन का मैच करें फाउंडेशन। तो चलिए इसके लिए कुछ ट्रिक देखते हैं कि कैसे अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, ब्लैक होने से बचा सकते हैं, पैची होने से बचा सकते हैं, और ऑक्सीडेंट होने से। इसमें मैं जो ट्रिक शेयर करूँगी तो आप भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो और ब्लैक ना हो, पैची ना हो। सबसे पहले क्या होता है कि हम देखेंगे गाइस कि मेरे पास देखिए दो फाउंडेशन है, एक लकमे का, ये ऐसे नॉर्मल जनरल यूज के लिए, ये लकमे का एक दूसरा ब्रांड का है परफेक्ट फिनिशिंग वाला। तो इसमें का तो हम देखेंगे किसमें ऑक्सीडेंट कम है, किसमें ऑक्सीडेंट ज़्यादा है। जिसमें ऑक्सीडेंट कम हो वो आपके फेस के लिए ज़्यादा सही होता है, जिसमें कम नहीं। तो ये हमको ये चीज़ देख कर जरूर लेना होता है, और अपने स्किन टोन का मैच होता है। ये मेरा स्किन टोन का है 01 शेड है। तो आप वैसे ही अपने स्किन का मैच कर, चाहे तो आप फेस से भी मैच कर सकते हैं, चाहे तो आप हाथ से तो उतना मैचिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी मैच हो जाता है। तो आप चेक करके गाइस ले अपने फेस पे, वहाँ पर ब्लेंड कर। तो क्या होता है कभी कभी हम लोग फाउंडेशन लगा लेते हैं तो पैची हो जाता है। तो चलिए गाइस ट्रिक शेयर करते हैं। कभी भी फाउंडेशन लगाने से पहले का तो अगर हम अपने फेस क्रीम को लगा लेते हैं तो हमारा मेकअप फाउंडेशन पैची नहीं होता, और अच्छे से फिनिशिंग नेचुरल लुक सा देता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि सनस्क्रीन और आपका ना फेस क्रीम एक साथ यूज ना करें। जब कभी अगर सनस्क्रीन यूज करें तो फेस क्रीम ना यूज करें, फेस क्रीम यूज करें तो सनस्क्रीन ना यूज करें। चलिए गाइस, हम अपने पहले फेस पैक यूज कर लेंगे जो हम डेली यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लव्स और ये फेयर लवली का यूज करूँगी। चलिए लेकर लगा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें गुलाब जल और फेयर लवली को मिक्स करके फेस पर लगा लूँगी। देख सकते हैं मैंने ये लगा लिया। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर से क्या होता है, प्राइमर लगाने से क्या होता है कि हम आपको बता देंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्राइमर हम जो मेकअप होता है, अगर किसी का फाउंडेशन से मतलब जो रिएक्शन होता है, किसी का ऑयली स्किन होता है, तो फाउंडेशन से जो उसमें केमिकल्स होते हैं तो हमारे स्किन से जाके रिएक्शन करते हैं, पिंपल्स भी किसी क्रिएट कर सकते हैं, मेकअप पैची भी ला सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्किन प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम प्राइमर लगाते हैं तो जो हमारा डायरेक्ट स्किन से और फाउंडेशन का रिएक्शन, केमिकल का रिएक्शन नहीं होने देता, और वो बचा कर रखता है और मेकअप को फिनिशिंग लुक देता है, एक बेस क्रिएट करता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, और एक फिनिशिंग और ऑयल फ्री लुक देता है। तो चलिए गाइस, हम प्राइमर अप्लाई करते हैं। आप चाहे प्राइमर किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल भी प्राइमर की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर यूज कर, यहाँ का मार्स का मैं सिल्की फिल प्राइमर यूज कर रही हूँ, प्राइमर या स्प्रे है। चलिए यूज कर लेते हैं। इसी क्या होगा कि हमारा फेस हाइड्रेटेड भी हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा। तो इसको क्या, तो हम अच्छे से हाइड्रेटेड के लोग में ये कर लेंगे।
देख सकते हैं कि मैं प्राइमर सूख चुका है, तो चलिए अप्लाई करते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन भी अप्लाई करने का बहुत सारा ट्रिक है गाइस, तो हम चलिए उस ट्रिक से अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो स्पंज ब्रश की हेल्प से, स्पंज होता है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसको डाइविंग डे में मौसम और थोड़ा थोड़ा लेकर अप्लाई करें। अगर किसी को ज़्यादा प्राइम फाउंडेशन लगा तो उसका दो कोटिंग लगा, लेकिन एक ही बार ज़्यादा नहीं लगाए। ये सब ट्रिक आपको फॉलो करना है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि हमें एक स्पंज लेंगे, आप चाहे ब्रश भी ले सकते हैं, तो स्पंज को हल्का से गीला कर लेंगे। देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है। इसे कहते हैं डाइविंग डे मौसम में अपने फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा नेचुरल लुक हो और नेचुरल सा लुक क्रिएट हो, फाउंडेशन पैची भी ना हो, ब्लैक भी ना पड़े। चलिए गाइस, हम थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेते हैं। यहाँ हमने फाउंडेशन थोड़ा सा ले लिया है हाथों पर, उसे मैं स्पंज की वजह से उसे डाइविंग डे मौसम पर लगा सकते हैं। लगा ले अब उसे डैबिंग डाउन मौसम ऐसे ऐसे समझ कर इसी कर सके। अपना आपका जो मेकअप है वो नेचुरल लुक देगा और फिनिशिंग सा लुक देगा। तो चलिए इसे गैस मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गैस कि मैंने इसे डैबिंग डाउन मौसम करके ब्लेंड कर लिया, और देख सकते हैं कितना नेचुरल सा लुक लग रहा है, कोई भी हार्श लाइन नहीं लग रहा है, कोई भी पैची पैची नहीं लग रहा है। तो आप ऐसे डैबिंग डाउन मौसम में लगाएं और इससे कैसा नेचुरल लुक आएगा, कोई डैबिंग मोशन नहीं दे सकते हैं, कितना नेचुरल सा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया है। आप चाहें तो आपको ज़्यादा से लगा तो दो कोटिंग इसका लगा सकते हैं ऐसे ऐसे करके डैबिंग डैबिंग मोशन में। और आप चाहें तो फाउंडेशन को कंसीलर की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कंसीलर नहीं है, कंसीलर अप्लाई नहीं कर सकते, किसी का डार्क स्पॉट है उसको कवर करने के लिए। कभी भी फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद तो अपने फाउंडेशन ऐसे ना छोड़ा, खासकर अभी इन गर्मी के दिनों में। और उसके बाद कॉम्पैक्ट यूज कर ले, आप चाहे जो भी कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, पाउडर करते हैं, लूज पाउडर वो भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो मेकअप होता है ऑयली नहीं होगा स्किन, मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं होगा, मतलब बहेगा नहीं और ब्लैकिश नहीं होगा। और हाँ, जिसका ड्राई स्किन वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाला बिल्कुल स्किप ना है। तो मैं यहाँ पॉन्स का पाउडर यूज कर लूँगी, थोड़ा सा अपने हाथों पर लेके इसे अपने हाथों से ऐसे लेके तो उसे मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी, अपने फेस पे लगा लूँगी। देख सकते हैं गाइस, हमने ये कर लिया और हमारा जो मेकअप है कितना नेचुरल सा ग्लो आ रहा है, और आपके चेहरे पे एक साइनिंग आ जाएगा। मेकअप अगर कॉम्पैक्ट और होता है कि ज़्यादा पैची पैची नहीं लगे, गीला गीला नहीं लगे, क्योंकि मेकअप गीला हो रखा है, और ड्राई मेकअप रहेगा, सूखा सूखा मेकअप रहेगा, तो आपको भी कॉन्फिडेंस लुक आएगा। तो चलिए हम मेकअप करके मिलते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कितना नेचुरल सा लुक आ रहा है। आप चाहे तो ऐसे अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जो भी ब्रांड का फाउंडेशन ले रहा है, अपने स्किन टोन के हिसाब से लें। और उम्मीद है गाइस कि आपको मेरा ये मेकअप लुक और टिप्स आपको पसंद आया हो, मेकअप लुक नहीं, जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स शेयर किया आपको पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल हो, तो नीचे कमेंट कर ले डन, और इस वीडियो को लाइक करें, बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नीचे का बेल आइकन है जो उसे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आगे के जो भी आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। और हाँ, मैंने आपको एक बात बोला था, मैंने एक सीरीज ऐसे स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि मैं अगर आप मेरे चैनल पर हम मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट दूंगी और मैं आपको बोलूंगी वर स्टर्निंग, तो आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में लूंगी, जो मुझे कमेंट करेंगे डन करेंगे, उन तीन लोगों का नाम लूंगी अपने वीडियो में आगे, और उन्हें शॉर्ट कर लूंगी और उन्हें बोलेंगी वर स्टर्निंग गाइस। तो आई होप गाइस कि आपको भी मेरे वीडियो में आपका नाम आए तो आपको अच्छा लगे, ये क्रिएट हो, तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।